क्या आपने जिम में पूरी जान लगा के मेहनत करी, अच्छे से अच्छा डाइटिंग करा और महंगे से महंगा सप्लीमेंट भी ट्राई कर लिया है, फिर भी आपको उस तरीके की बॉडी नहीं मिल रही है जो आपने सोची थी, तो इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है नींद की कमी। ये वीडियो में बने रहे और मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगा कि नींद आपके बॉडी के लिए कितनी ज़रूरी है। हाय फ्रेंड्स, आई एम शान और आज मेरा 30-day ट्रांसफॉर्मेशन का day 26 है। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नींद के बारे में, स्लीप के बारे में, स्लीप के बेनिफिट्स और कम नींद मिलने से साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। आपके साथ ये ज़रूर हुआ होगा कि आप जिम में गए हो, आपने पूरी जी जान लगा के मेहनत करी, आपने अच्छे से अच्छा डाइटिंग किया और महंगे से महंगा सप्लीमेंट ट्राई करा है, फिर भी आपको उतना प्रॉपर गेंस नहीं मिल रहा है जितना कि आपके दूसरे दोस्त को मिल रहा है जो ना प्रॉपर वर्कआउट कर रहा है, ना अच्छा डाइट ले रहा है और ना सप्लीमेंट ले रहा है। तो आप सोचते हो कि ऐसा क्यों, उसको क्यों गोल्स मिल रहे हैं और आप अपने गोल्स अचीव करने में पीछे क्यों छूट जा रहे हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ इसका एक बहुत बड़ा लीडिंग कॉज है नींद की कमी। काफ़ी सालों तक हम भी बहुत मेहनत करते थे, हमें लगता था कि पूरी बॉडी जिम में ही बनती है, जिम में दो दो घंटा तीन तीन घंटा मेहनत करते थे, घर जाके खाते थे, लेकिन नींद की कमी की वजह से हम ग्रो नहीं हो पा रहे थे। एक्चुअली प्रॉपर नींद नहीं लोगे तो इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट है। सबसे बड़ा इसका जो पहला साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि आपके परफॉर्मेंस में कमी आ जाती है। अगर आपने प्रॉपर स्लीप नहीं ली है तो आप जिम में आके प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाओगे। परफॉर्मेंस से मेरा मतलब पीक परफॉर्मेंस से नहीं है कि आप कितना उठा सकते हो या आप कितने रेप्स ले सकते हो, मेरा परफॉर्मेंस से मतलब है कि आप कितने देर तक कर सकते हो। अगर एक प्रॉपर स्लीप लेने वाला इंसान वो वर्कआउट एक घंटा पूरा कर सकता है, पर अगर वही इंसान प्रॉपर स्लीप ना ले तो वो 15 से 20 मिनट में ध्वस्त हो जाएगा। आप प्रॉपर स्लीप ना ले तो उसका सेकंड सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि मिस्टेक्स होती है आपसे, आपसे गलतियाँ होगी। अक्सर आप देखते होंगे जिम में कोई इंसान कुछ गिरा रहा है, किसी को चोट लग गई, कोई गलत तरीके से वर्कआउट कर रहा है, मैंने लोगों को नींद में झपकियाँ लेते हुए तक देखा है। तो जो नींद नहीं लेते हैं उनसे जिम में अक्सर गलतियाँ होती है और अगर आप जिम में गलतियाँ करते रहोगे तो आप ग्रो कब होगे। नींद की कमी का तीसरा साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपकी बॉडी ग्लूकोज को, ग्लूकोज जो एक मेन सोर्स होता है एनर्जी का, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मेरे ग्लूकॉन डी वाले वीडियो पे, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा अगर आपको इंटरेस्ट है वो वीडियो देखने में। तो अपने बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी में से एक होता है ग्लूकोज। तो अगर आप नींद नहीं लोगे तो आपकी बॉडी ग्लूकोज को प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगी, और अगर बॉडी ग्लूकोज मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब ये है हमारी बॉडी को एनर्जी की कमी पड़ेगी। तो नींद कम लेना मतलब ग्लूकोज मेटाबोलाइज नहीं होगा और आपकी बॉडी को एनर्जी की कमी महसूस होगी। एनर्जी की कमी के वजह से आप अपना वर्कआउट 100% नहीं कर पाओगे। नींद हमारे बॉडी के हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। जब हम सोते हैं तो हमारे बॉडी का हर हार्मोन अपने इक्विलिब्रियम होमोस्टेसिस पे ऑपरेट करता है। नींद का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है, और ये याद रखना दोस्तों, नींद का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि सोते वक्त आपकी बॉडी अपना टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है और साथ ही साथ IGF-1 रिलीज करती है। ये दोनों वो हार्मोन्स हैं जिसके वजह से हमारी बॉडी, हमारे मसल्स ग्रो होते हैं। ये हमारे मेन एनाबॉलिक हार्मोन्स हैं। अगर आप सोओगे नहीं तो टेस्टोस्टेरोन और IGF-1 तो गिरेगा ही गिरेगा, साथ ही साथ आपके बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल हाई होगा। कॉर्टिसोल, मैं आपको बता दूँ, कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जिसके वजह से अगर आप दिन भर थकान महसूस करोगे, इतना अच्छा महसूस नहीं होगा, और अगर आपको अच्छा महसूस नहीं होगा आप प्रॉपर तरीके से वर्कआउट नहीं फिनिश कर पाओगे। अगर कम नींद के वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन गिरेगा और कम नींद के वजह से IGF-1 गिरेगा, एट द सेम टाइम कॉर्टिसोल लेवल हाई हो रहा है, तो ये सारे हार्मोन के इम्बैलेंस के वजह से आपका मसल ग्रोथ और मसल रिपेयर दोनों भी नीचे गिर जाएगा। तो कम नींद लेने के बाद आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपकी बॉडी ग्रो होगी, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन कम हो रहे हैं और स्ट्रेस हार्मोन बढ़ रहे हैं। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो रात में जागते और दिन में सोते और मुझे आके बोलते कि भाई मैं तो सोया, मैं तो 10 घंटा सोता हूँ, आप तो 6 ही घंटा सोते हो। तो एक्चुअली में फंडा ये है कि हमारे बॉडी के अंदर एक क्लॉक होती है और जब हम उस क्लॉक के अनुसार स्लीप लेते हैं तब जाके हमारे बॉडी के सारे हार्मोन्स प्रॉपर रिलीज होते हैं।
टेस्टोस्टेरोन IGF-1 प्रॉपर रिलीज होगा और कॉर्टिसोल लेवल लो होगा। अगर आप अपने बॉडी के क्लॉक के हिसाब से सोओगे नहीं, मतलब आप रात में नहीं सो रहे हो, आप दिन में सो रहे हो, तो इट्स नॉट गोना हेल्प यू। आप रात में सोने के टाइम पे सोए, ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। जो लोग प्रॉपरली सोते हैं उनको वेट लॉस में भी ये काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि जो लोग सोए प्रॉपर तरीके से सोए और जो लोग इम्प्रॉपर तरीके से सोए, अगर दोनों 10 किलो लूज करते हैं तो जो प्रॉपर तरीके से सोया है वो 55-60% ज़्यादा फैट गलाएगा और एट द सेम टाइम 50-60% उसका मसल ग्रोथ होने में हेल्प होती है। और रात में जागने से आपका भूख लगने वाला ग्रेलिन हार्मोन ऊपर जाता है। आपने भी देखा होगा कि अगर आप रात में जागते हो तो आपको बार बार भूख लगती है, और रात में हेल्दी फूड्स अवेलेबल नहीं होते तो हम कुछ भी पूछ लेते हैं, और आपका पेट जो भरा हुआ महसूस होता है वो हार्मोन लेप्टिन नीचे जाता है। तो रात में जागने की वजह से आप जंक फूड खाते हो, और जंक फूड खाने से आपके मसल्स ग्रो नहीं होंगे, आपके बॉडी में फैट ग्रोथ होने के ज़्यादा चांसेस है। तो याद रखिए, रात में ना सोने से आपके बॉडी के ग्रोथ हार्मोन्स नीचे जाएंगे, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स ऊपर जाएंगे, आपको फालतू चीज़ें खाने की बहुत भूख लगेगी और आपको थकान महसूस होगी दिन भर, और ये सारे रीजंस मिलके आपके बॉडी ग्रोथ को स्टन कर देंगे, आगे बढ़ने से रोक लगा देंगे। तो मेरी एडवाइस मानिए, मैं भी पिछले कुछ दिनों से बीमार था तो मैं प्रॉपर स्लीप ले रहा हूँ, आप भी प्रॉपर स्लीप ले ताकि आप दिन भर जो मेहनत कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं और प्रॉपर जो वर्कआउट ले रहे हैं, तो आपके बॉडी को रिपेयर होना, रिकोपरेट होने का टाइम मिले, क्योंकि आपकी बॉडी जागते समय नहीं ग्रो होती है, आपकी बॉडी ग्रो होती है सोते समय। तो आज के लिए टिप में इतना ही। मेरा वर्कआउट रूटीन मैंने कल के वीडियो में दिखा दिया था, और अगले 5 दिनों के लिए भी मेरा वर्कआउट रूटीन सेम रहने वाला है। तो आज से मैं आपको वर्कआउट रूटीन दिखा दिखा के पकाऊंगा नहीं, अभी मैं आपको डायरेक्ट मेरा पोजिंग रूटीन दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और नोटिफिकेशंस के लिए घंटा जरूर बजाएं। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ मैं अभी आपको कल के वीडियो में। आज के लिए अलविदा।